हेलो, गुड मॉर्निंग. हेलो, गुड मॉर्निंग. अभी ऊपर आई हूँ और 9 बज गए, लेकिन अभी भी ना वेदर थोड़ा फॉगी स्मॉगी, क्या कहना चाहिए, धुंधला सा ही है. धूप भी पूरी आई नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हल्की सी आना शुरू हुई है. लेकिन हीट नहीं है इसकी, जस्ट लाइट ही है, बस बहुत लाइट है. और मुझे बस ये 3 वीडियोज रिकॉर्ड करनी है, ये रेड सैंड की, रेड ग्रेनी और ये रेड कॉन्क्रीट. बाकी के ओल्ड टू ओल्ड टेक्सचर जो है ना वो गीले हैं. मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 के 8 टेक्सचर्स ना परसों बने हैं, द डे बिफोर यस्टरडे. और ये जो है ना येलो स्टोन क्रश, ये रहता है इसकी जो ऊपर शेप्स पड़ी है ना, वो अभी भी डैम है. पता नहीं नज़र आ रहा कि नहीं, लेकिन वो अभी भी डैम है. और ये नीचे वाली ड्राई है, पता नहीं क्यों स्लैब पे ना ड्राई नहीं हो रही शेप्स. आई थिंक सो स्लैब अभी खुद अंदर से गीली है, इसको इतना ज़्यादा हमने पानी लगाया था ना, मतलब सीमेंट वगैरह पक्का करने के लिए, और लगता ही है सबको पता है. तो अब ये ना शेप्स ऊपर सूख नहीं रही आई थिंक सो, क्योंकि वो नीचे से खुद गीला है. जब तक वो पूरा ड्राई नहीं होगा ऊपर शेप्स नहीं सूखेंगी. हालांकि ये ज़मीन गीली होती है ज़्यादा, इधर शेप्स बनती हैं, इधर टेक्स्चर बनता है, लेकिन फिर भी ना शेप्स यहाँ पर ड्राई हो जाती हैं फिर भी, बट ऊपर नहीं होती. और बाकी ये जो इधर के खिलाड़े हैं ना, ये शेर खिलाड़े नहीं है एक्चुअली, ये जस्ट कवर किए हैं. ये वाली 4-5 वीडियोज़ ना मैं कल रिकॉर्ड करके गई थी, लेकिन टेक्सचर बनाने का टाइम नहीं मिला था. किसी ने मुझे बोला था कि आप अपना एक मतलब फुल डे रूटीन शेयर करें कि आप सारे दिन क्या करती हैं, तो मैंने जस्ट अपनी रूटीन जो है ना वो रिकॉर्ड करके रखी है, लेकिन मेरे पास ना उसको एडिट करके वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं है. यकीन करें सुबह बेड से उठते हैं ना, तो जब रात को 9 बजते हैं ना, फिर जाके वापस बेड पे सुकून से, जिसको बैठना कहते हैं ना, वो बैठना नसीब होता सारे दिन, तो उसको उनसे बैठने का भी टाइम नहीं होता. एक मैं नहीं, हम सब घर वाले इसी तरह ही हैं. कोई ये काम कर रहा है, कोई वो काम कर रहा है, बच्चों को भी देखना होता है, घर का सफाइयाँ, खाना, ये वो सब काम साथ साथ चल रहे होते हैं, तो मेरे पास उसको वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं है. कुछ दिन बहुत छोटे हैं, इसलिए 2 माह तो बस इसी तरह ही गुजरने हैं, मसरूफ़ मसरूफ़ मसरूफ़. तो अभी मैं ऊपर आई थी, और अब मैं सुबह सुबह नहीं आती. एक तो ज़्यादा सर्दी होती है, ऊपर से स्मॉग होती है, नज़र नहीं आ रहा होता. दूसरा ठंडी हवा नोज़ में जा रही होती है. और एक और रीज़न ये होता है कि मस्जिद से ना आवाज़ें आ रही होती है देर तक, और उसके बाद आसपास स्कूलों वाले बच्चे जाग जाते हैं, तो वो मेरी रूटीन जो है ना वो सेट नहीं हो पा रही थी. मुझे ऊपर आके भी ना टाइम वेस्ट होता रहता था मेरा, वेट करना था सर्दी में बैठ के. तो मैंने फिर टाइम ही चेंज कर लिया, मैं नाश्ता करने के बाद आती हूँ. गर्मियों के सीज़न में मैं पहले काम करती थी आके, उसमें सुबह मैं जाग जाती थी और बाद में जाके नाश्ता करती थी. और अब गैस का भी इशू होता है, 8 बजे 8:30 बजे गैस चली जाती है, तो सुबह सुबह नाश्ता करना होता है और घंटा तो नाश्ते में ही लग जाता है. घर सी बात है, अब नौकर चाकर तो है नहीं जो आगे पेश करेंगे, सोए उठे और नाश्ता पेश हो देर करके अपने काम को चले जाएँ, खुद ही सब कुछ साथ साथ करना पड़ता है, तो घंटा डेढ़ तो लग ही जाता है. तो बस इसीलिए मैंने तो अपनी चवलें मारनी शुरू कर दी हैं. ये जो डर्ट का टेक्सचर है ना, ये कल ड्राई नहीं था तो ये मैंने छोड़ दिया था, और ये वाला मैंने सारा क्रम्बल कर लिया था. ये भी डैम था, मिक्स था, ये ना हो ही नहीं पा रहा था, अजीब सा हो गया. जो न्यू डर्ट बनाई है ना वो सॉफ्ट थे चंक्स, और ये जो आपको ये स्लैब नज़र आ रही है ना, ये पहले वाले डर्ट की टेक्सचर की स्लैब बनी थी, तो जो इस तरह वाले थे ना चंक्स वो बहुत हार्ड थे. और ये तो खैर से सूखा ही नहीं था, डैम था, तो मैंने छोड़ दिया था. तो मैंने कहा अब मेरी नज़र पड़ी, मैंने सोचा मैं यही क्रम्बल कर लूँ, फ़ोन ही लेगा क्योंकि फ़ोन मेरे हाथ में है, तो ज़रा थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा. आई थिंक ज़्यादा ही जूम है, ये ले काफ़ी देर बाद. ये अभी भी डैम्प है, और इस टेक्सचर का ना मैंने इसीलिए क्रम्बल कर लिया था क्योंकि रात को वो कहते हैं ओस पड़ती है, इसको शबनम के कतरे भी कहते हैं, तो ये फिर से डैम्प होता था. एक दिन मैं इसको सारा दिन ड्राई करने में लगा आती थी, अगले दिन ये फिर से डैम्प था, ये जान छोड़ ही नहीं रहा था, इसलिए फिर मैंने इसको जैसा था वैसा ही क्रम्बल कर लिया था. देखी हेलो मिट्टी, तो ये ना ज़्यादा ही है, बड़ा था चंक और डैम भी था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था कि इसको नेक्स्ट में कर लेंगे, लेकिन अब मेरी नज़र पड़ गई है तो मैंने सोचा मैं अभी कर लेती हूँ. टेक्स्चर मज़ेदार है, लेकिन जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है ना तब जल्दी जल्दी करनी होती है, तो मेरे तो हाथ उंगलियाँ दुखने वाली हो गई थी. देखो पीछे हो जाओ, गंदी हो जाओगी फिर ना, या ना ये गंदी बनेगी. मेरा ध्यान उसकी तरफ हो गया, कहाँ जा रही है,
देख लिया तो मुझे नीचे से स्पेशल ईयर तो नहीं हुई कि डेज ऊपर आ गई है। अच्छा तो मेरा मेरा मुंह उधर को होगा तो ये कहीं होना निकल जाए। देख लो मम्मी से बात नहीं तेरी मुझे समझ आ गई है। ये चीज पता नहीं इसका क्या घुमा रहता है। ले जा इसको, मैंने वीडियो भी तो बनानी है, मैं इसका ध्यान कैसे रखूंगी। डेली अगर शेप्स तोड़ी ना मेरी तो फिर देखी ये क्या बीच में टूटी ला। इट्स स्टोन, बजरी का स्टोन है। इसमें धन कैसे आ गया, हार गिर गया होगा। अभी मुझे इसका टेक्सचर भी रेडी करना है वापस से। मैं सोच रही हूँ इसको ना मैं थोड़ा समेट के रख दूँ जब तक गर्मियाँ नहीं आती, क्योंकि ये सूखता ही नहीं है। इसमें पानी ज़्यादा लगता है कि शेप्स दूसरी तरह की होती हैं और ये फिर से गीला हो जाता है, रात को डैम्प हो जाता है और डैम्प क्रमलिंग इसकी करने का मज़ा नहीं आता। ये वो टेक्स्चर है जो फुल ड्राई हो तो ही मज़ा कर देता है, डैम्प का आई थिंक सो ये उतना नहीं है। मुझे पसंद अपने अपने हो सकता है, किसी को पसंद हो, लेकिन मेरे ख्याल में आई थिंक सो कि ये डैम्प में उतना मज़े का नहीं है। और ये हार्ड भी इतने दिन पानी में रहता है ना तो ये हार्ड इसीलिए हुआ है। जो सॉफ्ट जो न्यू न्यू डर्ट है ना वो सॉफ्ट थी, और अब मैंने ये दोनों मिक्स कर दिए क्योंकि वो टेक्सचर आप लोग कह रहे थे कम है, तो अब ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये भी टब में भी है काफ़ी सारा, ये भी डालूंगी तो टब भी बच जाएगा। और फैब में मैं दोबारा से लिक्विड सेपरेट करूँगी क्योंकि मेरा दिल है मैं टेक्सचर्स जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टेक्सचर्स पे ना आजकल क्रश ही हो गया है, क्रश करते करते क्रश हो गया है। बंदा ना नाखून भी नहीं रख सकता। अभी मैं इनको साफ करके आई थी और मिट्टी में फिर से गंदे हो गए हैं। अब ना मेरे हाथ दुखने लग गए हैं, टेक्सचर हार्ड भी है डैम्प भी है तो ज़्यादा जान लगानी पड़ती है। लो भाई हो गया, अब मैं अपनी रूटीन की ना वीडियो जो 3-4 हैं ये रिकॉर्ड करूँगी। जहाज तो मस्त है, काम शुरू होता नहीं है जहाज पर आ जाते हैं। बस 3 यही बचे हैं और एक येलो स्टोन क्रश मैंने आपको दिखाया है, बाकी इधर 4-5 टेक्सचर बनने वाले हैं और ये 7 या 8 टेक्सचर हैं जो कि एक दिन पहले बने हैं, कल का दिन छोड़ के उससे पहले सारे के सारे। उस दिन मैंने इतनी हिम्मत मारी कि मैंने 6-7 वीडियोज़ रिकॉर्ड की थी सिर्फ इस वजह से कि आगे सर्दी आ जाएगी ना तो फिर नहीं मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा फिर से, और मैं ना डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। लेजी डेजी ये ना प्लानिंग कर रही है दीवार पे चढ़ने की और फिर मैं वहाँ से फरार होने की। मेरे हाथ भी गंदे हैं तुझे मैं कैसे उठाऊँ। पकड़ लिया मैंने, मैंने पकड़ लिया अपने काके को, काके को मैंने पकड़ लिया। क्यों तंग करता है तू, मैं बच्चा क्यों तंग करता है, खबरदार नीचे पहन लूंगी फिर नीचे ही जाएगी फिर। वो देख वो उधर जा रही है, पकड़ लो। हाथ भी मेरे गंदे हैं। चलो भाई मैं इसको जरा डीजे का रास्ता दिखा के आती हूँ। बाय बाय।